सो स्वच्छ भारत इनिशिएटिव के बावजूद विच हैज एक्चुअली बीन वाइडली पब्लिसाइज, अभी भी लोगों के बिहेवियर में एज सच कोई चेंज और एक्चुअली सुधार नजर नहीं आ रहा है. हु आर यूज टू स्पिट इन पब्लिक और कहीं ना कहीं दे प्रॉबली डू नॉट इवन रियलाइज द मैग्नीट्यूड ऑफ डैमेज दे आर डूइंग. वहीं पान गुटखा खाकर रेल यात्रा करना या रेलवे परिसर में घूमने वाले लोगों की वजह से रेलवे की मुसीबतें बढ़ ही रही हैं. दरअसल इस तरह के लोगों की थूक मिटाने के चक्कर में रेलवे को 1200 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं. नमस्कार, मैं हूं रेशम और आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया पे. तो वेलकम बैक टू अवर चैनल. अगर अभी तक आपने हमारे चैनल डीएनपी इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है देन व्हाट यू वेटिंग फॉर, प्लीज कर लें. और इस वीडियो को और हमारे चैनल की बाकी सारी वीडियोज लाइक ऑल द वीडियोज दैट यू लाइक एंड ऑल्सो लव, उन्हें भी प्लीज जल्दी शेयर करें. थैंक यू. So despite the COVID-19, which is the coronavirus guidelines, which hugely stresses maintaining personal hygiene as well as cleanliness of the surroundings, the habitual offenders have not actually mended their ways and the problem is still increasing. वेल, अहम बात यह भी है कि रेलवे यात्रियों की इस हरकत को रोकने के लिए विज्ञापन पर भी खर्च करा जा रहा है. चाहे रेलवे विज्ञापनों के जरिए यात्रियों से इधर उधर नहीं थूकने की अपील की जा रही है और इसके बावजूद स्थिति में सुधार होता नहीं दिख रहा है. यही वजह है कि रेलवे को थूक के दाग मिटाने के लिए सालाना 1200 करोड़ रुपये खर्च करने पड़ते हैं और इस वजह से रेलवे के पानी का खर्चा भी बढ़ जाता है. मैं आपको बता दूँ कि रेलवे परिसर में इस तरह की गंदगी फैलाने पर 500 रुपये का जुर्माना भी लगाया जा चुका है. तो भारतीय रेलवे अब इस मुसीबत से निपटने के लिए नई योजना पर भी काम कर रहा है. दरअसल 3 रेलवे जोन विच इज वेस्टर्न, नॉर्दर्न और सेंट्रल ने इसके लिए एक स्टार्टअप इजी स्पिट को कॉन्ट्रैक्ट भी दिया है और इस कंपनी के जरिए यात्री बायोडिग्रेडेबल पाउच वाला पीक दान यानी स्पिट टून पाउच खरीद सकेंगे और इस पाउच को आप जेब में भी रख सकते हैं. अलग अलग साइज के इस पाउच को आप एक से ज़्यादा बार भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इस पाउच को कुछ इस तरह से बनाया गया है कि इसमें थूक ठोस बन जाता है यानी सॉलिड फॉर्म में हो जाता है. मतलब कि इसके गिरने या गंदगी फैलाने का भी झंझट नहीं रहेगा और ये इको फ्रेंडली पाउच भी है. वहीं यात्रियों के इस पाउच को इस्तेमाल करने से रेलवे परिसर या ट्रेन में भी साफ सफाई बरकरार रहेगी. वेल, आई बिलीव दैट दिस इज़ अप टू अस कि हम अपनी तरफ से रेलवे स्टेशन और बाकी जगहों में भी सफाई कैसे रख सकते हैं. इस पूरी सिचुएशन में ये चीज़ तो क्लियर है कि दिस टाइम इट्स नॉट द गवर्नमेंट टू ब्लेम बट वी एज इंडिविजुअल्स आर लैकिंग इन सम वे और द अदर, राइट? मतलब 1200 करोड़ आर स्पेंट टू क्लियर आउट द स्पिट स्टेन्स, रियली डिसअपॉइंटिंग. व्हाट डू यू थिंक? सो दैट वाज ऑल फॉर टुडेज सेगमेंट. इफ यू लाइक टुडेज कंटेंट एंड वीडियो देन प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू डीएनपी इंडिया. यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम. कीप लविंग अस, कीप शोविंग योर लव एंड कीप वॉचिंग डीएनपी इंडिया.